मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली रोड नया मुरादाबाद योजना को मूर्त रूप देने के लिए लगातार कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पाकबड़ा जीरो पॉइंट से हर्बल पार्क जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों प्राधिकरण की अनदेखी का शिकार होकर रह गया है। इस मुख्य मार्ग में गड्ढे और उस पर पथ प्रकाश की व्यवस्था को अनदेखा किया जाना क्षेत्रवासियों के लिए लगातार समस्या बनता जा रहा है। वहीं हर्बल पार्क से लेकर गांगन के पुल तक बनाया गया गांगन का मार्ग झाड़ियों में तब्दील होकर रह गया है। इस रोड पर उगाई बड़ी बड़ी झाड़ियां राहगीरों के लिए खतरा बनती जा रही हैं, तो वहीं इन झाड़ियों से लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि तंग होते जा रहे इस मार्ग पर हर रोज ही हादसे हो रहे हैं। प्राधिकरण को इस ओर आगे बढ़कर काम करना होगा और इन झाड़ियों को कटवाना होगा ताकि लोग हादसों का शिकार ना हो। प्राधिकरण के सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता का ये कहना है कि इन मार्गों के बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया निकाली जा रही है, साथ ही एक नया रोड और बनाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना को और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। सड़कों के भी हम टेंडर निकाल रहे हैं और एक हमारी सेक्टर 16 के पास में कुछ भवन है जो NH डायरेक्ट NH से लिंक करने के लिए एक सड़क का एक अल्टरनेट रोड हम लोगों ने खोजी है, जिससे उन भवनों में अप्रोच रोड पास हो जाएगा। उनका टेंडर हम लोग निकाल चुके हैं, फ्लोट कर चुके हैं और जैसे ही टेंडर फाइनल होता है वो रोड बनने से वहाँ के लोगों को जो अभी तक थोड़ा घूम करके आना पड़ता था मेन रोड पर, उनसे उनका डायरेक्ट कनेक्शन मेन रोड से हो जाएगा, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा।